तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, हाउ टू इम्पोर्ट ए पी के प्लस ओ वाला वीडियो। ठीक है, तो उस पे बहुत से लोगों का मसला आ रहा था। कुछों की गेम नहीं चल रही थी, कुछों को डेटा का फोल्डर नहीं मिल रहा था, तो बहुत से मसले थे लोगों के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं वो एक्सप्लेन करूँगा, सब मसले जो है सॉल्व वगैरह करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहें। सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल क्रोम में, तो यहाँ पे आके अपने पबजी लिखना है, पबजी मोबाइल के आर ए पी के ओप डाउन लोड। ओके, क्लिक एंटर मार के फिर आपने खोल लेनी है पहली वाली वेबसाइट ए पी के कॉम्बो डॉट कॉम। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आ रहा होगा डाउनलोड ए पी के प्लस ओप, इस पर क्लिक करना है। फिर इस पर आके इन दोनों पे राइट क्लिक करके इनको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले इस पर क्लिक करके इस तरह डाउनलोड इसको कर लेना है। फिर उसके बाद इसको इस पर क्लिक करके इस तरह इसको डाउनलोड कर लेना है। सही है, ये होने के बाद आपने कर लेना ये है कि सबसे पहले आपने आ जाना है अपने गेम लूप को ओपन कर लेना है। गेम लूप को ओपन करें, गेम लूप को ओपन करने के बाद आपको करना है एक छोटी मोटी गेम जो होती है ना, इस तरह कोई भी छोटी गेम हो जाए आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करके आपने बस इमुलेटर को किसी तरह ऑन कर लेना है। मैं सबवे सर्फर डाउनलोड कर रहा हूँ। ये देखें, सबवे सर्फर डाउनलोड हो रही है, ये डाउनलोड हो रही है। इसके बाद फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। ये मेरी गेम इंस्टॉल हो रही है, अब देख सकते हैं। आपने बस करना ही है कि जब ये जगह खुले आपने गेम को एग्जिट कर देना है। ठीक है, अभी सबर करें, इसको इंस्टॉल दें, एग्जिट हो जाएगी खुद ब खुद। इंस्टॉल हो रही है, एक मिनट रुकें। इंस्टॉल होगी, इसके बाद आपने इस पे एग्जिट वाले बटन पे क्लिक करके एग्जिट कर लेना है। ठीक है, गेम एग्जिट होगी। इसके बाद आपने आके यहाँ पे F9 मारना है। F9 मारने के बाद आपने ब्राउज़र में जाना है। सेम लास्ट वीडियो वाला प्रोसीजर है, मैं बस बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। फिर ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और लिखना है ES फाइल एक्सप्लोरर। नीचे देख सकते हैं सुजेशन में आ चुका है, इस पर क्लिक करना है। सर्च करने के बाद आपने आ जाना है इधर, थर्ड वाली वेबसाइट होगी इसको ओपन कर लेना है। इधर से आपने ES फाइल एक्सप्लोरर को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड करने के बाद इसके बाद आपने इंस्टॉल कर लेना है इसको। इंस्टॉल पर क्लिक करना है, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद डन पर क्लिक कर देना है और इसको एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है अपने उस फोल्डर में जहाँ पे आपने एपीके और ओप डाउनलोड किया। ठीक है, तो उस फोल्डर में आने के बाद आपने इन दोनों को कॉपी कर लेना। ए ओब और ए पी के को कॉपी करने के बाद आपने अपने जहाँ पे भी आपका टेम्प का फोल्डर पड़ा होगा ना, टेम्प का, ठीक है, टेम्प का फोल्डर आपका कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब जिस तरह मेरा ये यहाँ पे पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा में, आपको अपने हार्ड ड्राइव में जगह जगह चेक करना पड़ेगा। या तो आपने अपना एमुलेटर खोलना और इसमें आना है, इस जगह पर डायग्नोसिस पर क्लिक करना है, तो आपको ये दिखा देगा कि आपका टेम्प का फोल्डर कहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, मेरा ये डी में बना हुआ है टेम्प का फोल्डर, तो मैं उसमें जाऊँगा। अभी डी में गए, टेम्प में गए, इस फोल्डर में गए, फिर तीसरे वाले फोल्डर में बैल के एम पी सी शेड में, फिर यहाँ पे आके अपने पेस्ट कर दे। ठीक है, इन दोनों को, दोनों फाइल्स पेस्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने करना ये है कि अभी इसके पेस्ट तो वो हो रहा है, आपने एक न्यू फोल्डर बना लेना है। यहाँ पे बना के यहाँ पे आपने लिखना है com.pubg.kr mobile। ठीक है, करके आपने इंटर मार देना है, क्योंकि लास्ट टाइम सब ने यही शायद गलती की है, मैं बताना वीडियो में भूल गया था कि इस तरह का फोल्डर आपने बना के इस तरह उसमें पेस्ट करना है। उसके बाद आपने करना है कि जो ओप की फाइल होगी ना, इसको आपने कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देना है। ठीक है,
ये हो गया पेस्ट। अब उसके बाद आपने आ जाना है अपने गेम लूप के अंदर। गेम लूप के अंदर आने के बाद आपने दोबारा से ES Explorer को ओपन कर लेना। अब ये ध्यान से देखना, ठीक है। लास्ट टाइम लगता आपको सही तरह समझ नहीं आई थी, लेकिन इस पर मैं सही तरह से समझाता हूँ। उसके बाद आपने आ जाना है इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने ये पीछे एक लाइन आ रही होगी, ठीक है, ज़ीरो एमुलेटेड स्टोरेज, और उसके बाद लाइन आई है, इस पर क्लिक करना है आपने, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत से फोल्डर आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो आपने इस पर क्लिक करना है डेटा पे, ठीक है। आपने डेटा पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे आना है, ये आप फोल्डर देख रहे हैं शेयर वन का, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें आप पबजी मोबाइल का APK पड़ा हुआ है। आपने पहले ये करना ही है कि इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, और ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपका क्या मसला आ रहा है, आप क्या कहना चाह रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने कमेंट्स पढ़े थे, आपको मैं बताता हूँ आप क्या कहना चाह रहे थे। सेट करके दिखाता हूँ आप। अब ये ना पबजी मोबाइल में मैंने क्लिक किया तो देखना एक एरर आएगा, तो आपका वो एरर आ रहा होगा क्योंकि आपने ओप जो होता है ना वो कॉपी नहीं किया था। वो देखें, डाउनलोड फेल्ड बिकॉज यू मे नॉट हैव परचेस्ड दिस ऐप। आपको सेट करना है क्योंकि सिर्फ APK इंस्टॉल हुआ, उसका ओप इंस्टॉल नहीं हुआ, तो ओप आपने उसका कॉपी और पेस्ट करना है कहाँ पे, ये देख लें, ES Explorer वापस खोलना है आपने। ओपन करने के बाद आपने आना है इंटरनल स्टोरेज पे अगेन से, फिर इस पर क्लिक करना है, फिर उसी पे ओपन वाली लाइन पे क्लिक करना है सबसे शुरू वाली पे, फिर डेटा पे आपने क्लिक करना है अपने सामने डेटा, फिर आपने आना है नीचे वापस शेयर वन में, ठीक है। शेयर वन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ओप का फोल्डर मिल जाएगा जो कि आपने यहाँ पर पेस्ट किया था अपने शेयर वन में, सही है। ये वाला फोल्डर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपने इस पर लॉन्ग प्रेस करना है और इसको कट कर लेना है। कट करके आपने वापस आ जाना है, फुल होम पे क्लिक करना है, इस पर ये होम का बटन बना होगा, इस पर क्लिक करने के बाद इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करना है, फिर एंड्रॉयड पे क्लिक करना है, फिर ओप पे क्लिक करना है, ठीक है। ओप पे क्लिक करने के बाद अब देखें ये फोल्डर पहले से बना हुआ, लेकिन आपने बस पेस्ट कर देना है यहाँ पर आके, ओवरराइड का ऑप्शन कहेगा तो आपने अप्लाई टू ऑल ओवरराइड कर देना है, ठीक है। अब ये ओवरराइड हो रहा है, ये देखेंगे ओवरराइट हो गया इसमें से। अब बस आपने करना ये कि अपनी इसको ना एग्जिट कर लेना, ES फाइल एक्सप्लोरर को एग्जिट करके पबजी मोबाइल को ओपन कर लेना KR वर्जन को, ठीक है। ये KR वर्जन का तरीका है, इसके लिए ना स्पेशल फोल्डर का नाम देना पड़ता है जो कि अभी मैंने आपको बताया। लास्ट वीडियो में सब भाइयों ने शरीर की गलती की है, इस वजह से उनकी गेम नहीं चल रही थी, तो अभी आप देख सकते हैं कोई किसी किस्म का एरर नहीं आ रहा, गेम ओके है, गेम चल रही है आगे, अभी डाउनलोडिंग होगी और आपको पता है डाउनलोडिंग होगी फिर गेम चलेगी। तो ये तरीका था इसको इंस्टॉल करने का, जो कि लास्ट वीडियो में काफ़ी भाइयों को मसला आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा यार चलो एक वीडियो बना लेते हैं इनके लिए भी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपका जो मसला होगा वो हल हो चुका होगा। तो मेरे चैनल को आप इस तरह करें ना, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह से रिलेटेड अगर और कोई मसला आपका आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैंने अपना फेसबुक का लिंक वगैरह भी नीचे डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आपको किसी को कुछ सही तरह से समझ नहीं आ रहा पर्सनल में तो वो आके मुझसे बात कर सकता है। तो आज के लिए बस यही था।